मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखे हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। देखिए, दो दिनों से जन सुराज पार्टी की चर्चा दरभंगा में है। इसलिए दरभंगा में चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र दरभंगा शहर की जो गंभीर समस्या है, जिसमें जनता अंदर अंदर घुट तो रही है लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, उसकी जुबान को आवाज़ देने के लिए जन सुराज पार्टी ने सदर प्रखंड से लेकर कटरिया जैसे मोहल्ले में जहाँ 24 घंटे और 12 महीने पानी रहती है, लोग त्रस्त हैं लेकिन सवाल कोई पूछ नहीं रहा है और जवाब कोई दे नहीं रहा है। जन सुराज पार्टी में सभी नेता, जिसमें शोएब खान भी थे, बिल्टू सहनी थे और भी नेता थे, सभी वहां से एक पदयात्रा करते हुए उस गंदे पानी में जाते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कल आपने ये जो कार्यक्रम किया उसकी चर्चा शहर में हो रही है, क्या लगता है ये एक रणनीति है, चुनाव की एक मुद्दे हैं जिससे धीरे धीरे जनता के बीच पैठ बनाने का काम हो रहा है? देखिए, आप अभी मैं इसे रणनीति भी नहीं कह सकता हूँ, और ये एक मुद्दा है। यहाँ पर जिस तरह से जल जमाव का मामला चल रहा है, और ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना है, और मैं समझता हूँ कि 20-25 साल से जो हालात बना हुआ था वहाँ पर अभी है, तो उसके लिए हम जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आप जो है ये सहयोग करें। आप कब तक इस नर्क की स्थिति में, जो बनी हुई है स्थिति, इसमें कब तक रहेंगे? आप कैसे इसमें उतने गंदे जगह पर आप रहना कबूल करते हैं? कम से कम आपकी जो आत्मा है वो किस तरह से कबूल कर रही है? जब आप मालिक हो, जनता जो है वो क्या है, वो एक मालिक है, आपका अधिकार है कि आपको सरकार वो सारी चीज़ें मुहैया करा के दे जो जिसके वादे सरकार करती है और जिसके बिना पर सरकार बनाया जाता है, पार्टियां जीत के जाती हैं, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। कल आप लोग वहाँ घूमे थे, पदयात्रा, क्या रिस्पांस मिला, क्या बोल रही थी जनता? देखिए, जनता तो खड़े पूरे अपने घर पर लोग खड़े थे, और मुझे थोड़ा सा जनता की तरफ से भी मुझे ये चाहिए था कि जनता की समस्याओं के लिए अगर मैं यहाँ से निकल कर के, हमारे सारे जनसुराजी निकल के वहाँ जा रहे हैं, वो उनके परेशानियों का समाधान करने के लिए हम उनकी आवाज़ को उठाना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ जो है सदन तक जाए और वहाँ पर एक कॉन्क्रीट डिसीज़न लिया जाए कि हमारी जनता जो है इस परेशानी में जूझ रही है, इसका निदान जो है यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से नहीं हो पा रहा है, इसका निदान जो है यहाँ के जो प्रशासन है तो उनके माध्यम से नहीं हो रहा है, तो ये उसका निदान करेगा कौन? तो इसकी आवाज़ को लेकर के हम लोग आवाज़ को बुलंद करना है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति भी इसी कहते हैं। क्या लगता है कि जन सुराज का यह पहला कदम था चुनाव की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि चुनाव मैदान में तो इस बार 10 विधानसभा में उतरेगी, सारी विधानसभा का जल जमा एक प्रमुख मुद्दा है, केवल कटरहिया जैसे मोहल्ला ही नहीं, दरभंगा शहर में अगर बारिश अगर एक घंटे हो जाए कसके तो निकल नहीं सकते, तो क्या लगता है कि इसी मुद्दा के सारे विधानसभा में प्रवेश करेंगे आप लोग? मुद्दे एक ही नहीं है, शहर के मुद्दे जो है ना हमारे पास बहुत हैं, और इस मुद्दे को लेकर के मैं बस समझता हूँ कि जो अभी तो ये पहला कदम है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, और अब देखिए आपको हम लोग एक एक चीज़ को खोल के दिखाते हैं जनता को कि इन लोगों ने क्या किया है। मुद्दे बहुत से हैं, आप किला घाट का मामला लेके चलिए, किला घाट में जो पुल है उसके उस तरफ जो आबादी है वहाँ का मुद्दा है। हम यहाँ पर मामला ये होता है कि जाति के ऊपर में, कि इस जात के लोग या हमें वोट नहीं देने पर वाले लोग ऐसे लोग हैं वहाँ पर, इसका हमें विकास करने की ज़रूरत क्या है? तो मुद्दे एक ही नहीं, मुद्दे तो हर वार्ड में है, हर पंचायत के एक एक वार्ड में जो है वो मुद्दा है, उसका ब्लूप्रिंट हम लोग निकाल रहे हैं।
एक एक जो वार्ड की समस्या है उसका ब्लूप्रिंट जनसुराज निकाल रही है, हमारे आदमी काम कर रहे हैं, हम जनता तक पहुंच रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाला जो वक्त होगा अभी एक 10 दिन 15 दिन महीना, वो आपको ये हम लोग जो आंदोलन कर देंगे इसके लिए हल्ला हंगामा तो होगा ही, जब तक हमारे जो इन मुद्दे को ख़त्म नहीं किया जाएगा, जनता की परेशानियों को आप जो है आप नहीं समझेंगे तो तब तक ये जनसुराजी वो रुकेगा नहीं, हम लोग का जो आंदोलन है वो चालू। क्या लगता है कि इस पर काम हो रहा है, ब्लूप्रिंट निकल गया है कि टिकट किसको मिलेगा, किस किस क्षेत्र मिलेगा, कौन कौन है, सर्वे हो रहा है क्या इसका? देखिए यहाँ 6 महीने से सर्वे चल रहा है, टिकट किसे मिलेगा तो उसमें भी एक एक विधानसभा से 5-5 लोगों का नाम होता है और एक ही प्रभारी नहीं आते हैं, हर महीने एक एक प्रभारी आता है और प्रभारी जो है उसको फिल्टर करता है। अब फिल्टर करने के बाद जो स्वच्छ लोग होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो जनता के समस्याओं को समझेंगे, जिनके अंदर में ईमानदारी होगी, जो बिल्कुल बोलते हैं कि जिनका सोच जो है वो बिल्कुल जनता के लिए, अपने देश के लिए, अपने इस समाज के लिए है, ऐसे लोगों को हर तरह से हर एंगल से फिल्टर किया जा रहा है, उसके बाद टिकट मिलेगा। यहाँ पर दागी या किसी तरह के बोलते हैं कि आप जो दबंग टाइप के लोग हैं या दागी हैं या समझिए कि जो गैर जिम्मेदार लोग, जैसे आप ये कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व हैं, ऐसे लोगों का जगह वहाँ पर नहीं है। ये समाज को और इस बिहार को ऊपर ले जाने के लिए आप भी चाहत तो होगी आपकी भी, तो क्या लगता है सर्वे में आपका भी नाम आया है, किस क्षेत्र से आया है और किस उस क्षेत्र के लिए अब आप क्या करेंगे ताकि लोगों की नज़र में आ जाए शोएब खान उस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं और ये चीज़ प्रशांत किशोर के भी नज़र में आए? देखिए प्रशांत जी के नज़र में सब कुछ है, सब लोग हैं और वो अच्छे लोगों को की तलाश में हैं और चाहते हैं कि अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, यहाँ पर एक शिक्षाविद भी आए, एक प्रोफेसर भी आए, डॉक्टर भी आए, एक वकील भी आए, इंजीनियर भी आए, लेकिन उनका भी फिल्ट्रेशन होता है कि वो कैसे हैं, इनका समाज में जो इनका सेवा करने की भावना इनके अंदर है या नहीं है। तो ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है, अच्छे लोग आएंगे। लोग कहते हैं अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, ये नहीं आने का मतलब आप देख रहे हैं कि ये इसकी वजह से है, क्या रीज़न है, ये जनता अगर नहीं चाहती है कि भाई अच्छे लोग आए, अच्छे लोग हमारा सेवा करें, उनकी सोच अच्छी हो तो हमारे जो कल के परिवार जो है हमारा, या कल का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, उसका अच्छा हो, उसका सही व्यवस्था हो, तो उसके लिए जनता को आगे आने की ज़रूरत होगी। और जब तक जनता उनका साथ नहीं देगी अच्छे लोगों का, तब तक के मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग नहीं आ पाएंगे। अच्छे लोग डर रहे हैं उनसे कि हम जाएं फील्ड में, आ जाने के बाद जो है मुझे वो इज्जत ना मिले, तो डर रही है। लेकिन जनता को अपनी तैयारी प्रारंभ हो गई है मुद्दों के आधार पर? देखिए तैयारी तो है और तैयारी होनी भी चाहिए, और मैं अपने सोच से मैं अपना कदम आगे बढ़ाया हूँ और मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार व्यक्ति को अपने ज़िम्मेदारियों का निर्वहन पूरे ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और मैं अभी भी कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो व्यक्ति कई सालों से, मैं समझता हूँ कि 5 बार तो हमारे विधायक जी जीते हैं, विधायक जी को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। आज जो कोई ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर हम लोग आज हंगामा कर रहे हैं, और इससे पहले भी लोगों ने किया है, तो इसमें कौन आदमी है जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है? आज जनसुराजी जो है इनका काम ये नहीं था, ये काम था हमारे विधायक का, हमारे MP का, जो और जो प्रतिनिधि वार्ड के जीत के जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी आवाज़ जिस सदन में बैठते हों वहाँ उठाएं, जनता के साथ जिस तरह से आपने वादा किया है और वादा करके आप आए हैं, तो कम से कम इन चीज़ों को आप देखिए। अंतिम सवाल, आप राजनीति से जुड़ गए हैं, शिक्षा पे पहले ही एक बड़ी जिम्मेदारी पहले से थी कि दरभंगा में आपने एक अच्छा संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में दिया था ताकि लोगों को विश्वास हो, तो क्या लगता है क्लैश नहीं करेगा दोनों, और उसको कैसे फिर अलग अलग डिवाइड कीजिएगा जिससे छात्र भी प्रभावित ना हो और आपके क्षेत्र की जनता भी प्रभावित ना हो? देखिए कोई भी चीज़ सिस्टम पर चलता है और हमने ये सिस्टम दे दिया है अपने स्कूल्स में, और यही सिस्टम की लड़ाई अभी प्रशांत जी कर रहे हैं, और प्रशांत जी का यही मैसेज है कि हम
बिहार का जो है सिस्टम बदलना चाहते हैं, जो व्यवस्था है इसका परिवर्तन करें, और व्यवस्था का परिवर्तन अगर नहीं होता है तो करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता है। आज जितना भी आप देख रहे हैं कि पांच पांच ब्रिज गिर गया, ये क्या है? जनता के पैसा का दुरुपयोग होगा, इसका जवाब कौन देगा? जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन अपने पल्लू को झाड़ करके वो निकल जा रहे हैं, देख रहे हैं कि जनता तो पूछ ही नहीं रही। लेकिन जनता इनको इस बार, अभी जो मामला हो रहा है, इस बार जवाब देगी इलेक्शन के अंदर में, इलेक्शन में बताएगी जनता। अब चुप नहीं रहेगी, मामला आप देख ही रहे हैं कि मामला अब जात पात और धर्म का अब नहीं रहने वाला है। बेवकूफ़ हम नहीं बना सकते हैं लोगों को, और बोलते हैं कि बहुत कम लोगों को बहुत ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा दिनों तक आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आज जनता जग रही है, और प्रशांत किशोर जी और ये जनसुराज जनता को जगाने का काम कर रही है। आपका दोनों क्षेत्र इफेक्टेड नहीं होगा, क्लैश नहीं करेगा? नहीं करेगा, हमारा सिस्टम है, सिस्टम पर मेरा काम चल रहा है, बिल्कुल एजुकेशन का मेरा पूरा सिस्टम है और सिस्टम पर काम कर रहा है। मैं डायरेक्टर हूँ और टाइम टू टाइम जो है मैं अपना डायरेक्ट करता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ, राजनीति में हूँ तो अपना, हम घर पर भी अपना सर्च करते रहते हैं, हमारा सारा इस पर काम हो रहा है। तो हमारा ये ख़राब नहीं होगा, मेरे सिस्टम को और भी मजबूत होगा। हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल हैं, और दो दो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल हैं, सीनियर प्रिंसिपल हैं। आप देखते हो किसी स्कूल में दो प्रिंसिपल नहीं होता है सीनियर, मैंने दो प्रिंसिपल क्यों रखा हुआ है कि ये दोनों अपने 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 हिसाब से काम करते हैं, और रिपोर्टिंग होता है हमारा, और उस रिपोर्टिंग के आधार पर जो है हम इन्हें डायरेक्ट विश्लेषण करते हैं, और इस हिसाब से ये ख़त्म नहीं होगा। और शिक्षा जो है ये भी देखिए एक तरह समाज सेवा है, और समाज के अंदर में जो गंदगी रहेगी तो हम जिस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको एक अच्छा समाज नहीं मिलेगा, एक समृद्ध बिहार नहीं मिलेगा, तो उनके सपने भी साकार नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, और सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उसका निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। धन्यवाद। लगातार हम आपको दिखाएंगे कि बिहार की राजनीति में, खासकर जब प्रशांत किशोर के जन स्वराज की एंट्री हुई है, तो और राजनीतिक दल क्या सोच रहे हैं। अगर जो आधारभूत संरचना है उस पर अगर जन स्वराज की पकड़ हो गई तो निश्चित तौर पर सामने जो बड़े दल हैं उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी तैयारी 6 माह से चल रही है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल की तैयारी, यहां तक कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही प्रत्याशी की घोषणा होती है, लेकिन यहां जन स्वराज ने पहले से प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर रखी है, और वो अंदर ही अंदर जमीन से जुड़े मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, ताकि जनता के बीच जन स्वराज की पकड़ मजबूत हो। ऐसे में देखना यह है कि अन्य राजनीतिक दल जन स्वराज के मुकाबले किस तरह की रणनीति तैयार करती है, क्योंकि हम लगातार आपको दिखाते हैं रहेंगे अपडेट, क्योंकि हमारा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम बताएंगे कि आखिर मूड जनता का किस तरफ जा रहा है। देखते रहे बिहार मिताल न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद। मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।